नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। दिल्ली के जंतर मंतर पर हम आपको लेकर आ चुके हैं। हमारे साथ कुछ शख्स है यहां पर जो अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं। सर, व्हाट इज योर नेम? मेरा मैं बोलूंगा, मेरा कथन यह है कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, आपका कथन यह है कि मैं भारत का सबसे ईमानदार आदमी हूँ। मेरा कथन यह है कि शायद मैं आपसे ईमानदार हूँ। अच्छा, ये खुला चैलेंज है। आपने कहीं अरबों रुपए की जमीन, कहीं अरबों रुपए की जमीन का आपके साथ घोटाला नहीं हुआ? मेरे साथ तो दोनों काम होगा, मेरे पिताजी का मर्डर होगा, अरबों रुपए की जमीन का घोटाला होगा, और इसका खुलासा करेगा डीएम। आपके पिताजी की हत्या किसने की? मेरे पिताजी की हत्या दरेगा पुत्र नामी संत का लड़के बलजीत सिंह ने कराई, और लेखा दस वर्ष पुत्र लेखा ने मरे हुए आदमी को गोली तारी, और मर्डर मतलब एक बताया उसका गवाह है इंडियन अस्पताल, दिनांक 22 मार्च 1962। 22 मार्च 1962 को मेरे पिताजी का नाम जमीन थी, और मतलब सारी जमीन का रिकॉर्ड बदल गया, नया रिकॉर्ड करके चकबंदी कर दिया। आपने रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर पता नहीं किया? ऐसे कैसे रिकॉर्ड? मतलब ये इसका जो खुलासा होता है दाखिल फाइल से होता है, जमीन दाखिल फाइल से आती है, दाखिल फाइल पर मिटा नहीं पाए, रिकॉर्ड बदल दिया। यदि इसमें आता जिलाधिकारी बागपत और लेखपाल तो सारे बेईमान है, या मैं बेईमान? प्रधानमंत्री जी एक को सजा दिलवाओ, मुझे तो माल कान की नकल से बिना आदेश होते हैं, मुझे दिलवा दो वरना। कितने कितने एकड़ जमीन है आपकी? कितने मतलब पूरे गांव का रिकॉर्ड बदल दिया? उसका नाम संख्या सैकड़ों में नहीं हजारों बीघे जमीन है। कहाँ की है? ये ग्राम मेजा खेगड़ा और ग्राम मेजा जहांगीरपुर डुंडाएड़ा जिला बागपत तहसील खेगड़ा जी। ठीक है जी। आपके पिता की हत्या 1962 में की गई, रिकॉर्ड्स भी बदले गए, और अभी 2023 है। हाँ। कितने वर्षों तक आप कहाँ थे? मैं अदालत में चक्कर काट रहा। अच्छा, अदालत में चक्कर काट रहा, और फिर बोलो मैं इसका खुलासा करूँ। मेरे दादाजी का मुस्त का नंबर है मिशन नंबर 170 जी, मिशन नंबर 170 धारा 34 न्यायालय तहसीलदार बागपत आदेश दिनांक 13/7/77 जमीन पत्रा हुआ मुस्त की, और वसत में सारी जमीन फिर हमारे नाम आ गई, हाई कोर्ट से हमारे नाम आ गई, और हाई कोर्ट ने उनको 1 करोड़ रुपए का मतलब जुर्माना होगा दलियाम पुत्र नामी संत पर, ओन रिकॉर्ड है। आज 63 साल हो गए दलियाम के नाम जमीन नहीं थी जी। एक बात, अगर दलियाम के नाम जमीन होती तो दलियाम के नाम रहती, उसका लड़कों को कहा नाम आई। जब किसी बाप के नाम से बच्चे के नाम जमीन आती है तो फॉर्म पैदा ज्यादा बनता है, मृतक पिताजी का नाम खारिज करके पुत्र का नाम दर्ज हो, बिना मरे लड़के का नाम जमीन आन सकती है। हमारे यहाँ तो बाप के जिंदा रहते हुए जमीन आई और हमारी आ रही। अदालत में आपका मुकदमा चल रहा है 1962 से लेकर 2023 आ गए, कम से कम 3-4 दशक का पुराना मुद्दा, 4-5 दशक से ज्यादा। उसका भी बताऊँ, जब दिया मुकदमा नंबर पे आया जी, या तो मेरे साथ रहने वालों का मर्डर करा दिया जी, या मुझे मतलब एक बात है और मेरे घर में छुपना पड़ा जी। मेरी सुनना, मैं तो प्रधानमंत्री जी को 5 लाख रुपए का चेक भेजा जंतर मंत्र का अपने खाते का, 3 दिन की भी सुरक्षा मानता अपने अपने परिवार के, अपने की 3 बजे जिला अधिकारी बात करते हैं, उसके यहाँ से माल का निकाल कर रख दूंगा उसके ऊपर, तो जेल में जाएगा डीएम से लेकर लेखपाल तक। यदि रिकॉर्ड तो बदल गया, पर जो उसमें विरासत थी ना, किसके बाप का नाम क्या है, किसके लड़के का नाम क्या है, वो उनका नहीं बदल पाया। कितने कितने करोड़ की संपत्ति का मामला है ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का, कम से कम बता दूं टोटल गांव का लगाओ ना, खरबों रुपए का, पूरे गांव का रिकॉर्ड बदल गया। तो आप जो जिला बागपत से आए हैं, आप प्रधान है वहाँ के, कौन है आप? मैं वहाँ का सबसे पीड़ित व्यक्ति हूँ, और तीन एक फैक्ट्री के अलावा गांधी मंडी में, और एक निर्दुर भाग की बात है कि वो बाघ वही मेरे पिताजी ने खरीद लिया, वही मुझे खरीदना पड़ा। अच्छा, ऐसी मैं 16 करोड़ रुपए की जमीन खरीद चुका जो मेरे पिताजी के नाम थी और मेरे दादाजी के नाम थी, और वही मैंने खरीदी। अच्छा, अगर ऐसा ना पाया, अभी भारत सरकार तक आपका मैसेज पहुंचाने के हम प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली के मतलब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके लिए क्या संदेश करना चाहिए? मैंने प्रधानमंत्री महोदय, मैंने पिछली बार खेड़ा नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, और एक होता भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी का ये विषय होगा अपहरण होता है, मेरा अपहरण हुआ और मेरा बैंक में घर बैठे कितने 70-80 लाख रुपए जा रहे। अच्छा। पर एक बात बताऊं, उस जमीन का उसमें का बहना मकड़ा। अच्छा। पर जिसने जमीन बेची नहीं, अभी कितने लोग आपके साथ? मैंने उसका नाम है पवन कुमार पुत्र सरदानंद, पवन कुमार सरदानंद के खाते में मिला है जी। वो जो चारवानी की चुनाव लड़ी ना, वो उस गांव के एक लड़के बता रहे इंदिरा गाँव का शादी पिता, अभी कितने उनके खाते में मिले? अभी कितने लोग आए हैं आपके साथ? मेरे साथ करीब 50 लोग हैं जी। 50 आपकी बात अभी जो है सरकार ने नहीं सुनी, तो आगामी क्या योजनाएं हैं? आगामी
मैं माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ 5 कालिदास मार्ग लखनऊ पे जाकर आत्महत्या करूंगा, आत्मदाह करूंगा। ये तो गलत बात है ना। गलत बात यह है, एक बात आप प्रधानमंत्री से हार गए, उसका अपनी जिंदगी से हार गए। मैं जिंदगी से नहीं हारा, तो फिर प्रधानमंत्री महोदय का मुख्यमंत्री का, क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री महोदय को सबूत दे रखे। मैंने एक जनवन संसद की तरक्की का चुनाव संसद की माना। मैंने राजभवन में जमीन बेची, जब मैं 2 साल का था, मेरे जब मैं 3 साल का था, मैंने राजभवन में जमीन बेची। 1 जनवरी संसद को तो मेरे नाम में नहीं, 31 बार मेरे नाम है, राष्ट्र की जमीन बेची मैंने। आप क्या चाहते हो? मैं नहीं सुना, मैं अपने पिताजी का मैंने आदेश चाहूँ और सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहूँ। नहीं सुना, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। अरे बात बताऊँ प्रधानमंत्री, आप एक डीएम साहब का पटवारी को भी जेल नहीं भेज सकते, लूट का खा रहे। मेरी जमीन में जबरदस्त तहसील बना दी, रिकॉर्ड बदल गया, खुला चैलेंज है। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे फांसी दी जाए, वरना लेखपाल से लेकर डीएम को फांसी दी जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि फर्जी रिपोर्ट सारे दाखिल हो रहे, दाखिल खर्च हो नहीं रहे, दूसरा तरीका ढूंढ गया उन्हें। क्रेता का नाम, विक्रेता का नाम खर्च करके क्रेता का नाम देते, उसका दाखिल खाली होता, उसमें होता मिशन नंबर, नाम, परिकेन, धारा, आदेश, दिनांक, किसकी जमीन थी, किस कौन बेच रहा। ठीक ठीक।